Hello and Namaskar. Welcome to NCRT Live Interaction. This is Simran Singh. You are watching us through PME Vidya channel number 9, or you can also connect with us through our YouTube channel, that is NCRT Official. It's our live interaction. We bring you such live interactions on different channels of PME Vidya. This session will run on PME Vidya channel number 9. If you have any questions, you have any queries, any feedback or experiences to share, then the comment box of NCRT Official is all for our viewers. Feel free to reach out to us in the comment section. We'll try to take all your questions in this session. As today's session is for class 9th and the subject is social science. So the topic that we'll be discussing today is really of a serious concern, as today the topic is titled as Poverty as a Challenge, Part 2. The part 1 of the program has already done by CIT and CRT, and in case if you haven't watched the session, just to get a glimpse and understanding of this session in a better manner, you might visit NCRT Official for our previous session on Poverty as a Challenge, Part 1. Today we are discussing Part 2. And to make this learning process more conducive for our learners, we are joined by an expert. Let me introduce him to you. We have with us Mr. Sushil Kumarji. Namaskar, sir. Namaskar, madam. And PME Vidya channel dekhne wale sabhi darshakon ko bhi bahut bahut namaskar. Haan ji, sir. Sir is PGT History, KV, AFS, Asansol, Kolkata region, and has joined in from West Bengal. Sir, आपको बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी में. इससे पहले कि हम इस सत्र की शुरुआत करें, कुछ ज़रूरी मालूमात है हमारे सभी व्यूअर्स के लिए. यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक हमसे पूछ लीजिएगा इन द कॉमेंट बॉक्स ऑफ एनसीईआरटी ऑफिशियल. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी ऑल्सो हैव आर कॉन्टैक्ट नंबर ऑन योर स्क्रीन्स, दैट इज़ द 8800440559. द सेशन इज़ फॉर क्लास 9th, सो वी ऑल्सो हैव आर मेल आई डी. राइट टू अस एट dth.class9@cit.nic.in. तो अब जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं सुशील सर, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, बहुत ही सीरियस टॉपिक है, और सिर्फ एक अकेडमिक पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि इसके बारे में बच्चों को जानना भी बहुत ज़रूरी है. तो शुरुआत इससे ही करते हैं कि आज हमारे बच्चे इस सत्र में क्या सीखेंगे. हाँ जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू, एंड पीएमई विद्या चैनल देखने वाले सभी बच्चों का वेरी वेरी वार्म वेलकम. बच्चों, हमने ऑलरेडी पॉवर्टी का जो है पहला सेशन कर लिया है, कई सारे टॉपिक्स उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था. तो एक बार में शुरुआत में जो हमने टॉपिक कवर किया था, एक छोटा सा ग्लिम्स लेके फिर हम उस आगे की ओर बढ़ते हैं. बच्चों, जैसे कि आपने देखा था सेशन की शुरुआत हमने कुछ तस्वीर से की थी, कुछ पिक्चर्स हमने लगाए थे, वो पिक्चर्स दिखाए थे. पिक्चर्स देखने के बाद जो हमने पाया क्या कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे इर्द गिर्द हैं, दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर क्लोथ्स, दे आर वेरी माल नरिस्ड, मैनी चिल्ड्रंस आर कलेक्टिंग गार्बेजेज ऑन द रोड्स. बहुत सारे ऐसे भी लोग आपको अपने आसपास में मिलेंगे जो फुटपाथ पे सोते हुए नजर आते हैं, पेमेंट पे सोते हुए नजर आते हैं. बहुत सारे लोगों के पास अपने घर होते भी हैं तो उन्हें उनके पास प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी, प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है. आपको कई बार ऐसे सिचुएशंस भी नजर आते हैं कि एक छोटे से जमीन के टुकड़े में पूरा का पूरा परिवार काम करता हुआ नजर आता है, जबकि उनसे होने वाला इनकम उन सभी लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं होता है. और इस आधार पे मैंने उस दिन भी जो बात की थी, तो निश्चित रूप से हमारे मन में कुछ सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि ये लोग आखिर कौन हैं जो ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं, ऐसे लोग कौन हैं. सेकेंड, ऐसी परिस्थितियों में वो क्यों रह रहे हैं, वाई आर दे लिविंग इन दिस कंडीशंस. देन वाई आर दे फोर्स्ड टू वर्क इन सच ए कंडीशन, ऐसे कंडीशन में काम करने के लिए ये मजबूर क्यों. देन वाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस कंडीशंस. देन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जहां से आज हम शुरुआत करेंगे, एक्चुअली जो रियल जो हमारी बिगिनिंग होगी, कि ये जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, इज इट फॉर इंडिया ओनली और द बैकवर्ड कंट्रीज ओनली, और इट ए प्रॉब्लम एट द ग्लोबल लेवल. क्या ये समस्या ग्लोबल लेवल पे है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे. और उसके बाद जैसे कि बताया था, सरकार नेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, खत्म करने के लिए कुछ प्रयास कर रही है. कुछ प्रश्नों का बच्चों उत्तर हमने पहले पा लिया था, आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे. बच्चों, याद होगा आपको हमने पहले सेशन में पॉवर्टी क्या होती है, गरीब लोग कौन होते हैं, साथ ही साथ कौन, कुछ सोसाइटी के कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, वो लोग कौन होते हैं, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, ये सारी चीज
हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन से करना शुरू किया था कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, आखिर हम कैसे जानेंगे कि कौन व्यक्ति गरीब है, हम कहाँ से ये क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि इससे ऊपर के व्यक्ति को हम गरीब कहेंगे, इससे नीचे के व्यक्ति को हम गरीब नहीं कहेंगे। सो इसका क्या क्राइटेरिया है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे? बच्चों, इन इंडिया ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं कि भारत में जो पॉवर्टी का जो डिसीजन होता है दो लेवल पे होता है, इनकम एंड कंजम्पशन लेवल एंड सेकेंड इज बेस्ड ऑन कैलोरी लेवल। हमने देखा था फॉर द ईयर 1920 द पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन वाज फिक्स एट 973 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज एंड रुपीज 1407 फॉर द अर्बन एरियाज इन इंडिया। और ये जो इनकम लेवल था वो किस पर बेस्ड था, इट वॉज बेस्ड ऑन द कैलोरी लेवल, यानी इतने रुपए की आमदनी से हमारा इतना कैलोरी का जो है कंजम्पशन पूरा हो सकता है। और वो कैलोरी कंजम्पशन का लेवल क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, हम सभी लोग जानते हैं कि जो रूरल एरियाज में लोग होते हैं उनको फिजिकल एक्सरसाइजेस, उनको शारीरिक गतिविधियों में ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है, दैट्स वाई दे नीड मोर कैलोरी कंपेयर टू द अर्बन एरियाज एंड दैट्स वाई कैलोरी रिक्वायरमेंट इन द रूरल एरिया इज 24 कैलोरी पर पर्सन व्हाइल इन द अर्बन एरिया द कैलोरी रिक्वायरमेंट इज 2100 कैलोरीज। और ये डाटा कहाँ से मिला है, ये एनएसएसओ के द्वारा डाटा लिया गया है। चलिए इसी आधार पे एक बहुत जरूरी बात है कि जो पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन होता है, आप देखेंगे कि पॉवर्टी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी हर जगह पॉवर्टी एक जैसी नहीं है, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, अलग अलग राज्यों में जो पॉवर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको अलग तरीके से देखने का मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ बहुत वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाटा है, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो जो है 26%, ये 2000 का डाटा है। देन शेड्यूल्ड कास्ट के बीच में जो है आपको पॉवर्टी रेशियो 43% देखने को मिलेगा, रूरल एग्रीकल्चर लेवरर्स हैं 47% है, अर्बन कैजुअल लेवरर्स के बीच में 50% है एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में 51% है। What this data shows actually, not all the communities in India is equally poor. अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग communities के बीच जो पॉवर्टी का रेट है वो अलग है, यानी एवरेज 26% है, दैट मीन्स कुछ ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत ही रिच है, जबकि कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो 51% तक जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे पाई जा रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट द कम्युनिटीज ओनली, इट इज अबाउट द reasons also, it is all about the states also. आप देख सकते हैं different states का data दिया हुआ है जहाँ poverty rates अलग अलग हैं, poverty line के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अलग अलग है, while the least number of people coming under poverty line is in Jammu and Kashmir, the data is of 3.5%, while the maximum people living under the poverty line is in Odisha, it is 47.2%. So, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में भी और डिफरेंट रीजंस में भी जो है पॉवर्टी का डाटा आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। और बच्चों, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया ओनली, अगर हम ग्लोबल लेवल पे भी बात करें तो पॉवर्टी का डाटा आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, पॉवर्टी लाइन भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। जब हम ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं, जैसा आपने हमें बताया कि अलग अलग राज्यों में पॉवर्टी का स्टेटस क्या है, किस तरह से पॉवर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारा आपसे ये सवाल है कि पॉवर्टी लाइन क्या हर देश के लिए समान है? नहीं मैम, बच्चों ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि पॉवर्टी लाइन हर एक देश के अपने कंडीशन के आधार पर डिसाइड की जाती है, देश की जो संस्था होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो डिसाइड करती है कि वहाँ की पॉवर्टी लाइन क्या होगी। जैसे हमारे देश में जो पॉवर्टी लाइन है इट इज बेस्ड ऑन इनकम एंड कंजम्पशन लेवल, कि हमारी आमदनी इतनी होनी चाहिए कि जो हमारा मिनिमम जो कंजम्पशन है उसको पूरा कर सके। आप अगर अमेरिकन कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ बीपीएल या जो पॉवर्टी लाइन है डिसाइड होती है कि द पर्सन हु इज नॉट हैविंग ए कार इज कंसिडर्ड पुअर, हर एक व्यक्ति के पास कार होना चाहिए, जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है वो गरीब माना जाता है। So, हर एक देश के प्रति, इवन आप देखिए हमारे देश में पॉवर्टी लाइन का जो डेफिनेशन है टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, हमारे देश में गरीबी लगातार जो है उसमें कमी आ रही है, हालांकि एब्सोल्यूट नंबर में कमी नहीं आ रही है बट परसेंटेज में लगातार कमी आ रही है, जिसके कारण हमारे रिक्वायरमेंट्स, हमारी चीजें, जो हमारा डेफिनेशन है उसमें भी बदलाव आता जा रहा है।
मैडम ये बहुत जरूरी है जाने के लिए बच्चों के लिए कि पॉवर्टी लाइन हर एक देश में उनके अपने कंडीशंस के आधार पर डिसाइड किया जाता है। बिल्कुल जी बच्चों जैसे कि हमने बताया कि ना केवल हमारे देश में बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी पॉवर्टी का सिनेरियो एक जैसा ही है। हालांकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब दुनिया भर में देखें तो पॉवर्टी में ग्लोबल लेवल पे एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिलता है, यानी गरीबी में गिरावट आ रही है। हमारे देश में भी देखें, हमारे देश में भी इनकम लेवल लगातार बढ़ा है, परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी लगातार घटी है। Although the absolute number of poor people is not decreased, but the ratio of the poor people has been significantly decreased in India. But it is also marked with great regional differences. अगर दुनिया भर के अलग अलग देशों को हम देखें तो हमें पॉवर्टी रेट में बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं इन इंडिया एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पॉवर्टी में लगातार गिरावट आई है, वहाँ पॉवर्टी रेट लगातार गिरी है। जबकि आप अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात करें तो वहां पॉवर्टी अभी भी सबसे बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। पॉवर्टी की जो डेफिनेशन की बात करें, वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी को डिफाइन इस तरीके से किया है कि द पीपल अर्निंग लेस देन 1.25 डॉलर पर डे, एक व्यक्ति अगर 1.25 डॉलर पर डे से कम कमाता है देन ही विल बी कंसीडर्ड एज पुअर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डाटा। The Millennium Development Goals of the United Nations call for reducing the proportion of people below poverty line to half the 1990 level by 2015. अब देखेंगे United Nations Development Program जो है जो UNO के अंदर में आता है, उनका एक टारगेट था कि 2015 तक जो पॉवर्टी का रेट है दुनिया भर में 1990 के लेवल से 50% कम तक लाना था। अल्दो it is not completely succeeded, but still we are very successful to reduce the poverty rate at the world level. हम इसको एक डाटा से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये एक करेंट डाटा है, आप देख सकते हैं 2011 का डाटा दिखाया गया है, वर्ल्ड बैंक का डाटा 2014 में ये रिपोर्ट आई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुनिया भर में पॉवर्टी का रेट अलग अलग देखने को मिलेगा। जहां एक और चार्ट जैसे कंट्री हैं जहाँ ऑलमोस्ट 80% तक गरीबी का डाटा देखने को मिल रहा है, घाना और केन्या जैसी कंट्रीज हैं जहाँ ऑलमोस्ट 20-30% तक डाटा देख रहा है, उधर दूसरी ओर एक चाइना दाजिल जैसी कंट्रीज हैं जहाँ आपको 10% इवन 5% तक दाजिल में आपको पॉवर्टी देखने को मिल रहा है। बच्चों अगर इस ग्राफ को देखेंगे तो एक चीज और देखने को मिलेगा कि ज्यादातर जो कंट्रीज का नाम है उसमें आप अगर गौर करेंगे तो देखने को मिलेगा ज्यादातर ये कंट्रीज आपको अफ्रीकन या साउथ अमेरिकन कंट्रीज को देखने को मिलेंगे, जैसे चाड है, मेडागास्कर है, जाम्बिया है, एती है, नाइजीरिया है, उसके बाद देखिए एक बांग्लादेश है जो एशिया से आता है, देन घाना, केन्या, सेंट लूसिया, अगेन ऑल दिस कंट्री बिलोंग टू द अफ्रीकन और द साउथ अमेरिकन नेशन। अब आप में से कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये ग्रीन डाटा, रेड और येलो डाटा क्या है। एक्चुअली नाइजीरिया जो बच्चों आप देख रहे हैं 2010-11 के डाटा के हिसाब से नाइजीरिया में जो पॉवर्टी का रेट था वो 50% एंड अबव था, जबकि जब 2011 के बाद का जो डाटा दिया है उसमें इट इज़ ऑलमोस्ट नियर अबाउट 40%। जहाँ गिरावट आई है पॉवर्टी में उसको ग्रीन डाटा से दिखाया गया है, जहाँ बढ़ा है वो रेड डाटा से है, और येलो मीन्स जहाँ पे स्टेगनेंट है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। तो इस ग्राफ से आपको बहुत कुछ समझने को मिल सकता है कि ग्लोबल लेवल पे भी पॉवर्टी एक जैसी चली आ रही है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो हमारे मन में आया था कि आखिर इस गरीबी का कारण क्या है, आखिर ऐसे हालात में लोग रहने के लिए मजबूर क्यों। सर इससे पहले कि हम कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की बात करें, एक और प्रश्न हमारे दिमाग में आया है, क्या उसे ले लें। हाँ जी मैम बिल्कुल। हाँ जी सर, आपने बताया साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में पॉवर्टी के बारे में, साथ ही आपने चाइना का भी जिक्र किया। अब यूरोपियन नेशंस जो हैं उनके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ पर पॉवर्टी सिनारियो किस तरह से है। या मैम, जैसे कि बताया था जनरली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, चाइना जैसे नेशंस में लगातार पॉवर्टी का रेट गिरा है, वही अफ्रीकन और अमेरिकन कंट्रीज़ में, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में गरीबी का रेट में या तो बदलाव नहीं आया या तो बढ़ा है एक्चुअली। वहीं अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो ये डेवलप्ड नेशंस हैं,
इनमें गरीबी का दर या तो थोड़ी बहुत कमी आई है या तो स्टेग्नेंट रहा है, बहुत ज्यादा बदलाव यूरोपियन नेशंस में नहीं आया है। हालांकि अभी अगर कोई रिसेंट डाटा देखे तो उनमें एक इल्यूजन सा हो सकता है बच्चों के मन में कि यहाँ पे अभी बहुत बढ़िया थी। अभी 2 साल से परिस्थितियां बहुत 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 बड़ा डिजास्टर रहा है पूरी दुनिया के लिए। तो अगर इन 2 वर्षों का डाटा को अगर हम छोड़ दें तो निश्चित रूप से जो हमने बात करी थी कि जो साउथ अमेरिकन नेशंस और अफ्रीकन नेशंस में बढ़ी है, एशियन नेशंस में घटी है, और यूरोपियन नेशंस जो हैं, डेवलप्ड नेशंस जो हैं, वहाँ पे पॉवर्टी का रेट स्टेग्नेंट रहा है। बहुत ज़्यादा बदलाव वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल सर, अब कुछ मुख्य कारणों की और भी जो है रोशनी डाल लेते हैं, जैसे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आपने बताया कि डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो वहाँ पर भी पॉवर्टी का एक अपना दर है, चाहे हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी जी पॉवर्टी का दर है। तो इसके क्या मुख्य कारण हो सकते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। मैम, ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट इंडिया कि हाँ इंडिया जी में क्या क्या गरीबी का कारण रहा है। तो निश्चित रूप से इसकी शुरुआत हम करेंगे ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से। हम जानते हैं कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उन्होंने जबरदस्त कह सकते हैं आप एक्सप्लॉटेशन किया था यहाँ के किसानों का, यहाँ के क्राफ्ट पर्सन्स का, यहाँ का वीवर्स का, जिसके कारण हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एक्चुअली बिल्कुल कह सकते हैं हम सब उनकी बेपटरी हो गई थी, ऑफ द ट्रैक हो गई थी, और उनके टाइम में एक्सप्लॉटेशन भी बहुत हुआ था। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ 18 सेंचुरी से पहले तक का जो भारत था, जिसे एक समय सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, आफ्टर 18 सेंचुरी लगातार डिग्रेडेशन होने लगा, और ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस इंडिया हमारा देश एक ऐसे हालत में पहुंच गया जो बिल्कुल ही पिछड़ापन का शिकार रहा था हमारा देश। सो द फर्स्ट रीजन ऑफ द पॉवर्टी इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोटेशन अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। सेकेंड, आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद भी कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर रहा प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो होना चाहिए था आजादी के बाद, जो गति होनी चाहिए थी, उस गति को मेंटेन करने में सरकार सफल नहीं रही, जिसके कारण भी हमारे देश में गरीबी का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ पॉपुलेशन कंट्रोल का जो साइकिल होता है, उस साइकिल को भी मेंटेन करने में गवर्नमेंट सफल नहीं रह पाई, ये भी गरीबी के कारण, यानी हमारे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता गया, ये भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण रहा। तीसरा, इरेगुलर स्मॉल इनकम्स। हमारे देश के ज्यादातर, यानी तरीके से कह सकते हैं 2/3 लोग, 2/3 पीपुल जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। हम सभी को मालूम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों का जो इनकम कम भी होता है, साथ ही साथ बहुत ही इरेगुलर भी होता है। एक बहुत बड़ा कारण जो है ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज हमारे ये जो अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल लेवल पे भी देखने को मिल सकता है और हमारे देश में भी मिल सकता है। हमारे देश में जो इनकम इनइक्वालिटीज है बहुत बड़ी दिखने में, एक वर्ग है जो बहुत ही रिच है हमारे देश में, अल्ट्रा रिच है, और जो ऑर्डिनरी पीपुल है, जो एक बड़ी कम्युनिटी मेजोरिटी जो पीपुल है जो है वो बहुत गरीब है, यानी संसाधनों का, रिसोर्सेस का बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसके कारण ये इनइक्वालिटी बढ़ी है, और इस इनइक्वालिटी का रिजल्ट है पॉवर्टी। इसके अलावा कई सारे सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जो गरीबी का कारण है। आप कुछ पिक्चर्स भी लगाए थे, जैसे पहला पिक्चर देख सकते हैं कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान किस तरीके से एक्सप्लॉटेशन हो रहा था। दूसरा पिक्चर है जो सोशियो कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स है, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा है, आप देख भी सकते हैं, पॉइंट इलिटरेट पेरेंट्स है, एक्सप्लॉटेशन एंड चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वायलेंस एंड पॉवर्टी। सो सोशियो कल्चर रीजंस पे भी हम एक बार नजर दौड़ाते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि इलिटरेसी, अगर इलिटरेसी होगी तो निश्चित रूप से स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगा, और अनस्किल्ड लेबर ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए मजबूर होंगी, जहाँ पे उनका इनकम भी रेगुलर नहीं होगा और उनका इनकम होगा भी तो बहुत कम होगा। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के लिए गंभीर चुनौती है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अ कंडीशन इन विच पीपुल इज नॉट एबल टू गेटिंग एनी जॉब, व्हाट एवर द क्वालिफिकेशन इज हैविंग और नॉट।
वो व्यक्ति कुछ भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार देने में जब सरकार असफल रहती है, दैट इज नोन एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। पुअर हेल्थ बहुत बड़ा कारण है, अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम आउटपुट अच्छा नहीं दे सकेंगे, वो भी गरीबी का कारण होगा। चाइल्ड लेबर एक तरीके से काउज भी है, इफेक्ट भी है। चाइल्ड लेबर के लिए इसलिए मजबूर होते हैं लोग क्योंकि एजुकेटेड नहीं हो पाते, उन्हें काम नहीं मिल पाता, पेरेंट्स की इनकम सफिशियंट नहीं होती, जिसके कारण बच्चों को काम में लगाने के लिए मजबूर होते हैं। पुअर से सैनिटेशन फैसिलिटीज, हेल्पलेसनेस, लैंडलेसनेस, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये सभी जो हैं आपको सोशल कल्चरल रीजन से। और बच्चे पिछले क्लासेस में भी इसको पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी पढ़ा था आपने, उसके पहले भी पढ़ा था। तो ये सोशियो कल्चरल रीजन से पॉवर्टी के बहुत गंभीर हमारे देश के लिए चुनौती हैं, इनका भी निराकरण करना, इनका भी इनको दूर करना बहुत जरूरी है, तभी पॉवर्टी का निवारण हो सकता है, पॉवर्टी खत्म की जा सकती है हमारे देश से। बिल्कुल जी सर, बेहतरीन तरीके से आपने हमें पॉवर्टी एज ए चैलेंज पार्ट टू के बारे में एक्सप्लेन किया। और क्योंकि हमारे पास अभी इस सत्र में 2 मिनट का समय है, तो यदि हम थोड़ा सा किताब के दायरे से बाहर जाएं और आप इजाज़त दें, तो आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। हाँ जी मैडम, बिल्कुल। जब हम बात करते हैं पॉवर्टी एज ए चैलेंज, आई अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सब्जेक्ट पॉवर्टी, और क्योंकि ये कक्षा 9वीं का सत्र है, तो आप कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे सजेशंस हमारे बच्चों को दीजिए जिसके माध्यम से बच्चे अपने स्तर पर कोशिश कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉवर्टी में गिरावट हो, मतलब गरीबी स्तर जो है हमारे देश में कम हो सके। तो क्या हाँ जी मुख्य चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल। देखिए, पॉवर्टी को जो है रिड्यूस करने के लिए एक्चुअली दो तरह के स्किल्स होते हैं। एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो हैं दो तरह के होते हैं। एक देख सकते हैं, मतलब सरकार जो है दो लेवल पे काम कर सकती है, एक प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो वो सरकार पे कम्प्लीटली है ही, जैसे नई तरह के इंडस्ट्रीज खोलें, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करें, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर करें, इंकरेजिंग टूरिज्म एंड अदर सर्विस सेक्टर्स। दूसरा जो पार्ट है मैडम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। समय समय पे सरकार ऐसी कई सारी योजनाएं चलाती हैं जिन योजनाओं में शामिल होके बच्चों को शामिल होना बहुत प्रायोरिटी, खासकर आप देखेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली सरकार ने कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई थी जिससे बच्चों के इस मैटर की सीरियसनेस को भी समझ सकते हैं, साथ ही साथ पॉवर्टी रिड्यूस करने में भी काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स में बच्चे जानते हैं, पहले से भी पढ़ के आ रहे हैं, जैसे एक नरेगा है जिसमें सरकार ने 100 डेज का जो है मिनिमम इम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे रखी है। इफ द गवर्नमेंट इज नॉट सक्सेसफुल टू प्रोवाइड द जॉब, देन डेफिनेटली जो डेली वेजेस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द पीपल। तो नरेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय रहा। उसके बाद देख सकते हैं नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो 2004 में लागू किया गया। इसमें क्या होता है, रूरल एरियाज में काम प्रोवाइड कराया जाता है, बदले में जो है फूड को प्रोवाइड कराया जाता है। तीसरा देख सकते हैं PMRY 1993 का, ये पहले का योजना है और रिसेंटली लागू की गई योजनाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। सो PMRY देख सकते हैं, 1993 में सरकार ने एक योजना लाया था, चाहे वो रूरल एरियाज का रहने वाला हो या स्मॉल टाउन्स का रहने वाला, कोई भी यूथ अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसे गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन प्रोवाइड कराएगी, जिसके द्वारा क्या है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, वो खुद का इनकम जनरेट कर सकता है। और इसका टारगेट जिसमें लाया गया था, इसका टारगेट था शुरुआत में कि 7 लाख माइक्रो वेंचर्स को जनरेट किया जा सके, माइक्रो वेंचर्स को जनरेट किया जा सके। बिल्कुल सर, इन विषयों पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे अपने अगले सेक्शंस में। फिलहाल हमें अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, इस मैम, लास्ट एक्चुअली लास्ट 1 मिनट इज देन इट विल बी ओवर, सो लास्ट वन हाँ जी सर, मिनट फटाफट से बता दीजिए हम। देन आप देख सकते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, देन जो मैं बता रहा था अभी रिसेंटली कुछ योजनाओं के बारे में, कई सारी योजनाएं और सरकार के द्वारा अभी भी चलाई गई है। जैसे आप देख सकते हैं एक स्किल इंडिया मिशन, अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले लेके आई थी, सरकार डिजिटल इंडिया मिशन लेके आई थी। यानी सरकार लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए भी बहुत सारा प्रयास कर रही है, जिससे निश्चित रूप से बिल्कुल गरीबी सर, वी डू एग्री दैट मच वर्क इज डन ऑन द ग्राउंड, बट वी वुड हैव लव टू टॉक मोर अबाउट दिस सब्जेक्ट, बट ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट्स आई हैव टू रैप अप द सेशन हियर इटसेल्फ।
थैंक यू सो मच सुशील कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही क्षणों में लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए एक अगला सत्र क्लास 9th मैथमेटिक्स का, आपका ही मच जाइएगा। नमस्कार जी मैम, थैंक यू, और वंस अगेन वेरी